जटा विभूती उटीचंदनाची कपाल माला प्रीत गौतमीची पंचानना विश्वनिवांतकारी तुझवीन शंभो मज कोण तारी तुझवीन शंभो मज कोण तारी। तो स्वागत है सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल जगवेंचर जी पे। दोस्तों हम कर रहे हैं नासिक टू 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो प्रमुख ज्योतिर्लिंग है अपना त्र्यंबकेश्वर, उसकी सफ़र साइकिल पे। मैं दिखा रहा हूँ आपको मेरी पूरी ये जर्नी। और वाराणस्यां तु विश्वशम त्र्यंबकम गौतमी तटे, गौतमी के तट पे जिसे हम गोदावरी कहते हैं उसके तट पे बसा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये त्र्यंबकेश्वर का सफ़र हम कर रहे हैं। तो पूरा सफ़र देखने के लिए शुरू से शुरू करते हैं, तो चलते हैं शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों पहुंच गए हम मैरावनी विलेज, नासिक टू त्र्यंबक जाते समय लगने वाला गांव मैरावनी। इस पीछे के रास्ते से हम आए। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुत मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये, श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। तो मंदिर का गेट बंद है। नासिक से त्र्यंबक जाते समय लगने वाला अंजनेर ही पर्वत के नीचे हनुमान जी का खूबसूरत मंदिर बहुत ही अच्छा लगता है। हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करके अभी हम जाएंगे आगे त्र्यंबकेश्वर की तरफ। तो दोस्तों नासिक से त्र्यंबक जाते वक्त 2 किलोमीटर जब त्र्यंबकेश्वर बचता है तो आपको लगता है ये प्रयाग तीर्थ, माँ गोदावरी का उगम स्थान। ब्रह्मगिरी से नासिक तक जगह जगह गोदावरी का पानी जमा रहे, इसलिए अनेक सारे कुंड बनाए गए थे, उसमें से ही ये एक है प्रयाग तीर्थ। और जब हम त्र्यंबकेश्वर की फेरी मारते हैं जो सावन के महीने में तीसरे सोमवार को सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, तब त्र्यंबकेश्वर के कुशावर्त से नहा के इस तीर्थ का चक्कर लगा के मेरे पीछे जो आप रोड देख रहे हैं वहाँ से स्टार्ट होती है ब्रह्मगिरी की प्रदक्षिणा। महादेव के भक्तों की तब तादाद बहुत ज़्यादा संख्या में रहती है। तो प्रयाग तीर्थ के दर्शन करके हम जा रहे हैं अभी त्र्यंबक की तरफ, तो चलते हैं। तो दोस्तों पहुंच गए हम भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो अपना नासिक में त्र्यंबकेश्वर है वहाँ। और ये देखिए भव्य प्रवेश द्वार यहाँ पे। ये देखिए ये बहुत जोर की बारिश से स्वागत हो गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है।
नासिक टू त्र्यंबकेश्वर का यह सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही सुहाना ये पूरा सफ़र रहा। तो अभी जाते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों सुबह 7 बजे किया हुआ सफ़र, 9 बजे पहुंच गए हम त्र्यंबकेश्वर मंदिर, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, अपना महादेव जी का निवास स्थान गौतमी के तट पे, जिसे हम गोदावरी कहते हैं, माँ गोदावरी का उगम स्थान जो ब्रह्मगिरी पर्वत आपको दिखाई दे रहा है वहीं पे बसा अपना त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुँच के बहुत ही अच्छा लग रहा है, पूरा अच्छा सफ़र रहा है। तो दोस्तों भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में जो 10वें नंबर पे आता है वो है त्र्यंबकेश्वर का ज्योतिर्लिंग, जो अपने नासिक से 35 किलोमीटर की दूरी पे है और जिस पे हम आज साइकिल से आए हैं। त्र्यंबकेश्वर में विराजित ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक ही रूप में यहाँ विराजित हैं। भगवान शिव के इस प्राचीन मंदिर से लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी कई मान्यताएं और प्रचलित कथाओं के बारे में विश्व प्रसिद्ध इस ज्योतिर्लिंग से गौतम ऋषि और गंगा नदी से प्रसिद्ध कथा जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार जब प्राचीन समय में त्र्यंबकेश्वर में जब 24 सालों तक लगातार अकाल पड़ा था, कई लोग मरने लगे थे, लेकिन उस समय बारिश के देवता इंद्रदेव ऋषि गौतम की भक्ति से बेहद खुश थे, इसलिए उनके आश्रम में ही वो वर्षा करवाते थे, जिसके चलते कई ब्राह्मण गौतम ऋषि के आश्रम में ही रहने लगे। तभी एक बार अन्य ऋषियों की पत्नियां किसी बात से लेकर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या देवी से गुस्सा हो गई, जिसके बाद उन्होंने अहिल्या देवी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए अपने अपने पति को गौतम ऋषि का अपमान करने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद सभी ब्राह्मणों ने गौतम ऋषि को नीचा दिखाने की एक योजना बनाई और फिर ब्राह्मणों ने गौतम ऋषि पर छल से गौहत्या का आरोप लगा दिया। इस बात के चलते गौतम ऋषि को अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए देवी गंगा में स्नान करने की सलाह दी, जिसके बाद गौतम ऋषि ब्रह्मगिरी पर्वत पर जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की और देवी गंगा के उस जगह पर अवतरित करने का वरदान मांगा। लेकिन देवी गंगा इस शर्त पर अवतरित होने के लिए राजी हुई कि जब भगवान भोले शंकर इस स्थान पर रहेंगे तभी वे इस स्थान पर प्रवाहित होगी, जिसके बाद देवी गंगा के कहने पर शिव जी त्र्यंबकेश्वर में ज्योतिर्लिंग के रूप में ही वास करने को तैयार हो गए और इस तरह त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग यहाँ खुद प्रकट हुए और गंगा नदी गौतमी के रूप में, माँ गोदावरी के रूप में यहाँ बहने लगी। आपको बता दें कि गौतमी नदी ही गोदावरी के नाम से जानी जाती है। तो त्र्यंबकेश्वर का दर्शन करके अभी हम जा रहे हैं आगे कुशावर्त की तरफ। तो दोस्तों त्र्यंबकेश्वर के दर्शन कर लिए, यहाँ से अभी आगे जा रहे हैं हम तीर्थ कुशावर्त, माँ गोदावरी का उगम स्थान जहाँ पे वहाँ, और वहीं से हम आगे जाएंगे ब्रह्मगिरी की तरफ। देखेंगे ट्रैक चालू है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी। तो दोस्तों हम पहुंच गए कुशावर्त तीर्थ। कोरोना की वजह से बहुत सी भीड़ यहाँ कम हो गई है, बहुत सारी भीड़ यहाँ रहती थी पहले, लेकिन अब पहले जैसी भीड़ नहीं दिखाई देती। कुशावर्त कुंड को चारों तरफ से बैरिकेडिंग किया गया है, अंदर कुंड में इधर से ही दर्शन करके हम जाते हैं। और कुशावर्त तीर्थ की मान्यता है कि ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी बार बार लुप्त हो जाती थी। गोदावरी के पलायन को रोकने के लिए गौतम ऋषि ने एक कुशा की मदद लेकर गोदावरी को बंधन में बांध दिया। बंधन में बंध जाने के बाद से ही इस कुंड में हमेशा जल भरा रहने लगा। इस जलकुंड को ही कुशावर्त तीर्थ के नाम से जाना जाता है। कुशावर्त के ये जो मंदिर हम देख रहे हैं दोस्तों, इसका निर्माण श्री होलकर के फडणवीस श्री रावजी बाला साहब पारनेरकर ने 1690-91 में
तब के 8 लाख रुपए का खर्चा करके इस कुशावर्त तीर्थ का निर्माण करवाया। इसकी चतुर्दिक सीमाएं पूर्व पश्चिम में 94 फीट तथा दक्षिणोत्तर में 85 फीट है। इसके पार्श्व में ही नक्काशी का उत्कृष्ट कार्य किया गया है। इसके चारों ओर मंदिराकार के गुंबद है। ब्रह्मगिरी पे जो गोदावरी का उगम स्थान है दोस्तों, तो वहां से निकल के गोदावरी इस ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे आती है, फिर यहाँ से निकल के त्र्यंबकेश्वर के भगवान शंकर की जटाओं में जहाँ मंदिर बना है वहाँ पे जाती है। बाद में मंदिर के पीछे अहिल्या गोदावरी का संगम होके गोदावरी बहती है नासिक की तरफ। कुशावर्तात गेली, इथून मग वेगळ्या कुंडातून गेली, मंदिरात गेली, शंकराच्या डोक्यावर। इथून जी पुढे सरकली त्या अहिल्या गोदावरीचा संगम झाला तिथे पुढे घाटावर। अच्छा, प्रयाग तीर्थ का गेली संगम म्हणून आहे मंदिराच्या मागे। बर बर, हा हा, त्या अहिल्यावरचा संगम झाला तिथे नाशिक। तो कुशावर्त के दर्शन करके अभी हम जा रहे थे ब्रह्मगिरी की तरफ, लेकिन ब्रह्मगिरी में कुछ तो भी लैंडस्लाइड हुआ है, कुछ हानि हुई है वहाँ, तो इसलिए वो ब्रह्मगिरी पर्वत पे जाना मना है, लेकिन हम जाएंगे निवृत्तिनाथ महाराज के समाधि, तिथुन चालू होते हैं तो देखते हैं। हाँ, तो आपने महंत जुना अखाड़े के मिले थे हमको। कुछ अपने भक्तों को कहना चाहोगे आप? ओके, आपका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे, यही कामना। कुशावर्त के ही समीप में आपको नजर आता है श्री गंगा गोदावरी मंदिर। शुक्ल यजुर्वेदीय शाखा के विप्र वृंदों ने चंदा एकत्रित करके यह मंदिर निर्मित कराया है, और यह माघ सुदी 1 से 12 तक गंगा गोदावरी का उत्सव मनाया जाता है। तो कुशावर्त से आगे जब आते हैं तो ये देखिए श्री बल्लाळेश्वर गणेश जी का मंदिर यहाँ पे नजर आता है। कुशावर्त से आगे आने के बाद हमें दिखाई देता है बल्लाळेश्वर मंदिर, और बल्लाळेश्वर मंदिर के ही आगे पड़ते ही संत निवृत्तिनाथ महाराज का समाधि मंदिर, और ये जवाहर की तरफ से जो रास्ता आता है वो यहाँ पे आता है, ये देखिए ये। और हम अभी पहुंचे हैं संत निवृत्तिनाथ महाराज की जो समाधि मंदिर है वहाँ पे। मंदिर का गेट तो बंद है, हम पूछते हैं। संत श्री निवृत्तिनाथ जी अपने पिता श्री के साथ त्र्यंबकेश्वर में आए थे, और त्र्यंबकेश्वर नगरी की परिक्रमा करने के वक्त उन्होंने बड़ा सा बाग देखा था। उस बाग को देखकर सभी लोग इधर उधर भागने लगे, और उस भगदड़ में निवृत्तिनाथ जी का अपने पिता श्री से साथ छूट गया था। बाद में निवृत्तिनाथ जी की आयु जब 11 साल की थी तब श्री गहिनीनाथ जी ने ही उनको यह उपदेश किया था। हाँ, तो दोस्तों संत ज्ञानेश्वर के सबसे बड़े भाई निवृत्ति ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई एकनाथ रामदेव तुकाराम जो हम बोलते हैं, तो उसमें से ही संत निवृत्तिनाथ महाराज की समाधि। कोरोना की काल की वजह से सब मंदिर बंद है, हम त्र्यंबकेश्वर मंदिर गए, कुशावर्त गए, और बाद में आए संत निवृत्तिनाथ महाराज की समाधि मंदिर। पंढरपूरला पालख्या गेल्या होत्या, आल्या का परत? मग इथूनच गेल्या होत्या ना? हां, आषाढी एकादशी अभी हो के गई, और जो पालखी जाती है संत निवृत्तिनाथ महाराज की, जो बस में गई थी इस बार, बस को बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया था, वो भी नज़ारा एक देखने के जैसा था। और जो आप आवाज़ सुन रहे हैं मेरे पीछे वो गोदावरी का आवाज़ है। ब्रह्मगिरी का जो पर्वत है ये ट्रैक यहीं से चालू होता है ना, वो दवा से ये गंगा द्वार। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा ये ब्रह्मगिरी का यहाँ से दिखता हुआ, और जो पानी की जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है वही पूरे इस झरनों से मिलके बनती है अपनी माँ गोदावरी, और माँ गोदावरी का उगम स्थान यही से है। पूरी त्र्यंबक नगरी को पीने का जल जहाँ से प्राप्त किया जाता है ऐसा श्री गंगा सागर तालाब। तो दोस्तों आप जो
मेरे पीछे देख रहे ये है गंगा सागर तालाब और ब्रह्मगिरी का ट्रेक जो स्टार्ट होता है वो निवृत्तिनाथ महाराज का जो समाधि मंदिर है उसके ही नज़दीक से जो रोड जाता है वहीं से ये पूरा ट्रेक स्टार्ट होता है। इसमें हम सीधे जाए तो ब्रह्मगिरी और राइट को अगर जाए तो गंगा द्वार, आचार्य श्री चंद्र घाट, श्री स्वामी समर्थ केंद्र सब यहीं से, और ये गंगा सागर तालाब। तो दोस्तों ऐसा रहा मेरा त्र्यंबकेश्वर का सफर। भारतवर्ष के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अपना त्र्यंबकेश्वर नगरी में क्या क्या हम देख सकते हैं वो मैंने थोड़ा बहुत आपको दिखाने की कोशिश की। मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए इसको शेयर कीजिए और देखते रहिए अपना चैनल जगवेंचर जी। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।